हेलो टीचर्स, आप लोगों में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए कौन सा माइक हम यूज करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो माइक के ऊपर, जिसका वॉइस क्वालिटी काफी अच्छा है और ये नॉइस को कैंसिल भी काफी हद तक अच्छा करता है। ठीक है, लेंथ भी काफी बेटर है और इसे आप हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, पीसी हो या फिर कैमरा हो, हर जगह यूज कर सकते हैं। और देखिए, इसका प्राइस काफी कम है, लेकिन प्राइस कम होने के साथ साथ ये बेस्ट है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यही दो माइक्स है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपके स्क्रीन में एक माइक है, इसका पहले हम बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लेंथ है 1.5 मीटर लेंथ है, जो कि काफी है। यदि आप स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप का यूज करके एजुकेशन वीडियो बनाते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप व्हाइट बोर्ड का यूज करके वीडियो बनाते हैं, फेस दिखा करके सामने आकर के वीडियो बनाते हैं, तो आप इस माइक को परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है काफी कम है। ठीक है, और यदि आप व्हाइट बोर्ड में वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो फिलहाल हम इसका बात कर लेते हैं कि ये जो आपके सामने क्लिप दिख रहा है, ठीक है, ये इसका प्लास्टिक का बना हुआ है और देखिए काफी इसका नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन ये जो माइक है ना काफी जबरदस्त है और इस माइक का प्राइस काफी कम भी है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो आपके सामने रुई दिख रहा है, ये काफी हद तक नॉइस को कम करता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 3.5 mm का जैक आपको मिल जाता है, स्मार्टफोन लैपटॉप हर जगह आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है अंडर आपको 200 ये माइक अवेलेबल है। इसका नेम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज ही आप लोग इससे जाकर परचेज कर सकते हैं, ये आपको 200 में पड़ेगा, तो चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी के ऊपर, तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आखिर इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस माइक का जो साउंड क्वालिटी है कितना बेटर है, अभी आपको नॉइस भी आई थिंक नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये देखिए, अभी जो आपके सामने माइक है ये थोड़ा प्रोफेशनल माइक है, तो इसके ऊपर हम इसी माइक से बात करेंगे। ठीक है, जो अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं ना, जो जिसका प्राइस हमने आपको बताया था लगभग 200 रुपया, उसी का वॉइस है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का है। तो फिलहाल हम इस माइक को रिव्यू कर लेते हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी क्या है। तो देखिए, इस माइक का जो लेंथ है लगभग 20 फीट है और ये काफी ज्यादा है। यदि आप ब्लॉगिंग वगैरह इन फ्यूचर करेंगे तो ये माइक सभी के लिए बेस्ट है। ठीक है, किसी भी तरह का आप काम करते हैं ये माइक बेस्ट है। यदि आप व्हाइट बोर्ड में सामने आकर के पढ़ाते हैं फिर भी आप इस माइक का आराम से यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा आपको लेंथ मिल जाता है। लैपटॉप के साथ हो गया, मोबाइल फोन के साथ हो गया, और इसे आप DSLR के साथ भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस माइक में आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो मोड दिख रहे होंगे। फर्स्ट में जो है ये कैमरा मोड हो गया, DSLR मोड, और जैसे आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर स्मार्टफोन मोड भी मिल जाता है। ठीक है, यदि आप स्मार्टफोन के साथ वीडियो बनाते हैं या फिर लैपटॉप के साथ वीडियो बनाते हैं या फिर किसी अदर डिवाइसेस के साथ बनाते हैं तो आपको यहाँ पर स्मार्टफोन मोड को सेलेक्ट करना होगा। यदि आप DSLR के साथ में वीडियो बनाएंगे तो आप कैमरा को सेलेक्ट कीजिएगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि आप कैमरा के साथ में वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बैटरी लगाने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ आखिर कहां पर आप बैटरी लगा सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसके अंदर में आप एक बैटरी लगा सकते हैं और ये बैटरी आपको कंपनी वाले साथ में ही देते हैं। ठीक है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, DSLR के लिए आपको एक जैक भी दे दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल ये जो आपके सामने जैक है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपका मोबाइल फोन के लिए हो गया, लैपटॉप के लिए होगा, यानी अदर देन आप DSLR इससे यूज कर सकते हैं, लेकिन DSLR के लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जैक दिया जाता है। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं इस माइक को। और इस माइक का हम नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो फिलहाल मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा इसका नॉइस कैंसिलेशन पावर है। फिलहाल आप देख लीजिए कि इसका जो क्लिप है, ठीक है, ये आपका मेटल का मिल जाता है, इसे आप आराम से कॉलर में लगा सकते हैं, थोड़ा ये हार्ड भी है, और आप इसका देख सकते हैं ये नॉइस को कैंसिल करता है, तो ये भी इसके साथ में मिल जाता है। ओवरऑल ये माइक बेस्ट है यदि आपका बजट थोड़ा ज्यादा है। यदि आप इस माइक को आज परचेज करते हैं विद इन 2 days, ठीक है, तो ये आपको 634 रुपए में पड़ेगा। यदि आप 2 दिन के अंदर में परचेज करते हैं तो, यदि आप बाद में परचेज करेंगे तो लगभग ये आपको 700 रुपए पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आज ही इस माइक को परचेज कर लें, क्योंकि अमेजन में भी ऑफर चल रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है बोया बाई M1, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के परचेज कीजिए। और फिलहाल मैं आपको इस माइक का चेक करके दिखाता हूँ आखिर इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। आप वॉइस सुन पा रहे हैं, ठीक है, ये इसी माइक का वॉइस है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी का इसका वॉइस है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूट्यूबर्स जितना भी माइक का यूज करते हैं इसी माइक का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम
पैसा में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माइक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ही एक बार परचेज कर लें, क्योंकि आप बार बार परचेज करने से बचेंगे यदि आप एक बार 634 रुपया लगा देते हैं तो। ठीक है, यदि आप चीप वाले के साथ जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर यदि आपको सामने आकर के पढ़ाने की जरूरत हो, यदि आपको लेंथ ज्यादा चाहिए होगा वायर का, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस माइक को परचेज कर लें, अभी आपको मात्र 634 रुपये पे करने की जरूरत पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।